हे गाइस, कैसे हो सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग बढ़िया हो। अपना इंट्रो ही दे दे रहे। ओके सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो? होप यू ऑल आर एक्सट्रीमली वेल। लास्ट वीडियो कब बनाया था मैंने? पटना से आने के बाद। तो उसके बाद जो है कैमरा को मैंने हाथ में और लिया ही नहीं। हर जगह से DM आ रहे कि भाई व्लॉग कब आएगा, व्लॉग कब आएगा, आप कब से यूट्यूब पे फिर से वीडियोस बनाने वाले हो। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मैं पटना से तो ट्रीटमेंट करके आ गया था, लेकिन मैं पूरा ठीक नहीं हुआ था। मतलब मैं अच्छे से चल नहीं पाता था अभी तक। अभी भी मैं अच्छे से चल नहीं पाता हूँ, ना ही मैं बाइक चला सकता हूँ। मेरा ये जो हाथ जो है ना, ये हाथ पे लगा है प्लेट, जिसके वजह से जो है और कम से कम 2 महीना मैं बाइक नहीं चला सकता। तो इतने दिन से जो है मैं पूरा रेस्ट में था। मैं सोचा कि और कुछ दिन रेस्ट ले लूँ, लेकिन घर पे पड़े पड़े यार मैं बिल्कुल बोर हो चुका था। एंड काम भी इतना सारा मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ था। मैं सोचा कि धीरे धीरे, इतना जल्दी नहीं, धीरे धीरे जितना हो सके वो हम करेंगे। तो यस गाइस, अभी से जो है आप लोगों को व्लॉग्स हफ्ते में 1-2 ऐसा करके देखने को मिलता रहेगा। धीरे धीरे हम उसको बढ़ाते रहेंगे। तो बस आप लोग सपोर्ट करते रहना एंड गाइस वीडियो को एंड तक देखते रहना, बिकॉज इसी वीडियो के अंदर जो है एक गिव अवे होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, एक अच्छा खासा गिव अवे होने वाला है। अभी जो है अभी मुझे जाना पड़ेगा लाखटुकिया एंड विशाल भाई जो है, विशाल भाई आ रहे हैं, बिकॉज मैं बाइक नहीं चला सकता, वो चलाएंगे। लेकिन हम पीछे बैठ सकते हैं, मतलब पीछे बैठ के हम जा सकते हैं। तो विशाल भाई आ रहे हैं, तो उसके लिए अभी वेट कर रहे हैं, उसके बाद निकलेंगे। तो गाइस अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 12:20। अभी जो है मैं जा रहा हूँ फैंसी बाजार। फैंसी बाजार क्यों जा रहा हूँ? 2-4 सामान लेना है, काम का ही सामान लेना है। अभी विशाल भाई आए थे, मैं बाइक चलाने नहीं वाला हूँ, विशाल भाई बाइक चलाएंगे, हम बैठेंगे पीछे। एंड मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप जो है ना वो देखेंगे, अगर कर पाते तो करेंगे, और नहीं तो ऐसे ब्लॉग बनाएंगे। चलो अभी निकलते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा अभी बारिश हो रहा है, देखो अभी तो। ये देखो बाइक को जो है ना ऐसे पूरा लॉक लगा के हम लोगों ने रखा था यहाँ पर, यानी ये घर पर ये फ्लड हो चुका है हमारे। तो फिलहाल बाइक को अभी देंगे कोल्ड स्टार्ट न्यूट्रल में। हम तो चला नहीं सकते बाइक, इसीलिए हमारे दोस्त लोग ही आते हैं। जब भी कहीं पर जाना होता है ना बाइक को लेकर, तो वो लोग ही ऐसे बाइक को निकालते हैं एंड उसके बाद हम पीछे बैठ के जाते हैं। देख देख सर कोई तो का इस बाइक निकालते टाइम देखा कि टायर में जो है हवा का प्रेशर थोड़ा कम है। अभी निकलते टाइम इसमें थोड़ा हवा डाल देंगे, बिकॉज डबलिंग जा रहे हैं ना, इसलिए। বাদলি যখন পুরা এক ব্রহ্মপুত্র হয়েছে আবার ইচ্ছে আছে। তো এতনে দিনো কে বাদ জো হ্যায় না ক্যামেরা কো হাথ মে লেকে বহুত আচ্ছা লাগ রহা হ্যায়। মতলব মে সোচ রহা থা ব্লগ বানাউঙ্গা বানাউঙ্গা বানাউঙ্গা, লেকিন কহীন না কহীন লাগ রহা থা কি চলো অর থোড়া রেস্ট লে লেতে। एंड हम अभी जैसे निकलते हैं ना, ऐसे निकलते टाइम हमें हाथ में ये पहन के निकलना पड़ता है। घर पे रहने से ये खोल देते हैं, लेकिन कहीं पर जाओ तो इसको लगा के जाना पड़ता है फॉर सेफ्टी। कम से कम 2 महीना हमको इसको ऐसे पहन के जाना पड़ता है। इस बार 390 BS6 का ग्राउंड क्लियरेंस जो है ना बहुत ज़्यादा कम है भाई, बहुत ज़्यादा। भाई साहब बाहर निकलते ट्रैफिक देखो, कितना ज़्यादा ट्रैफिक है इस तरफ। एंड एम्बुलेंस देखते ना मेरे को डर लगता है आजकल, पता नहीं क्यों। तो अभी हवा डाला जा रहा है इसमें पीछे की टायर में। हम सोचा था हवा कम है, लेकिन एक पंक्चर निकल गया, जो कि बाद में आके ठीक कर लेंगे। अभी थोड़ा लेट हो रहा है ना इसीलिए। बोले हाँ तुम्हारे एटा शॉर्ट एटा लम्हा पूरा फाली सीढ़ी उलाबा पूरा हब जा जा लोगों किया सा जा आगे जा। गाइस आज का वेदर देखो यार, कितना ज़्यादा मस्त होके रखा है। तो पता नहीं कितने दिनों के बाद जो है ये सब रोड होके मैं जा रहा हूँ, मान लो 2-3 महीना होने वाला है। तो गाइस फैंसी बाजार जो आया था यहाँ पर लेने के लिए आया था एक एडाप्टर। ये मेरा माइक एडाप्टर जो है ना वो एकदम बिल्कुल वहाँ पे खो गया था एक्सीडेंट के टाइम। एंड ये केस जो है ना, ये केस भी मेरा टूट गया था, साथ में माइक भी खो गया था, तो माइक भी लेना पड़ा। मतलब 5,500 का यहाँ पे चूना फिर से लग चुका है। तो अभी वही लेने के लिए अभी आए थे। हेलो। तो गाइस फिलहाल जो ये देखो मोटो व्लॉगिंग का सेटअप कुछ इस तरीके से हम लोगों ने करके रखा है। यहाँ पर विशाल भाई के हेलमेट में मैंने लगा दिया है कैमरा, एंड माइक जो है माइक मैं पीछे लेके बैठ गया, मतलब जो माइक जो है ना माइक खरीदा था अभी अभी। तो यहाँ से अभी फटाफट निकलते हैं। एंड और एक सामान लेना था मेरे को, लेकिन
आज वो सामान लेंगे नहीं। तो ऐसे जो है ना, मैं पहले अच्छे से चल नहीं पाता था, लेकिन फिलहाल बाइक स्कूटी में पीछे पीछे बैठ के मैं घूम सकता हूँ, कुछ काम वाम में निकल सकता हूँ। एंड यहाँ से फिलहाल अभी हम लोग पान बाजार के रोड होके जा रहे हैं। एंड गाइस, माइक का क्वालिटी कैसा आ रहा है मेरे को बताना। तो ये 450 रुपये में मैंने एक माइक खरीदा है, बिकॉज पहले वाला जो मेरा जो एक माइक था ना, वो मेरा खो गया है। बोलने जाओ तो मेरा बहुत सारा चीज़ ही खो चुका है, माइक, एडाप्टर वगैरह, और उलानजी का जो केस जो था वो भी खो गया। तो अभी बिल जो बना है पूरा 5,500 रुपये का बिल बना है पूरा। तो कोई नहीं, चलो काम का सामान है, लेना तो पड़ेगा ही। एंड गाइस, आज का आज का वेदर वैसे बहुत बढ़िया यार। कल तक जो गर्मी पड़ा था गुवाहाटी में, बहुत बहुत गर्मी पड़ा था। ऐसे मोटो ब्लॉगिंग जो है ना, जैसे हम कर रहे हैं, ऐसे शायद दुनिया में शायद हम ऐसे पहले यूट्यूबर होंगे जो कि ऐसे मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हैं। आगे की तरफ राइडर जा रहा है और पीछे की तरफ हम बात कर करके जा रहे हैं रिपोर्टर की तरह। अभी घर जाने से पहले गांधी मंडप का एक राउंड लेके जाएंगे, बिकॉज बहुत दिन हो गया गांधी मंडप हम लोग नहीं गए। तो यहाँ से और भी 2-4 दोस्त लोग वहाँ पर रुका है, तो इसलिए हम लोग भी एक राउंड लेके आते हैं वहाँ से। एंड विशाल भाई, गाड़ी में तेल है कि नहीं? दो बार तो शो कर रहा है, लेकिन डिस्प्ले में शो कर रहा है लो फ्यूल। चलो कोई नहीं, 2 बार से जो है हो जाएगा। एंड ट्रैफिक, ट्रैफिक तो पूछो ही मत भाई, ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है। पल्टन बाजार विशाले साइज है, मोसवाना है ये दिखाई से। तो गाइस फिलहाल जो है हम लोग अभी गांधी मंडप पहुंचने वाले। देखो अभी यहाँ से आगे से जाके लेफ्ट लेना पड़ेगा। एंड कैमरा एंगल कैसा आ रहा है ना मेरे को बिल्कुल पता नहीं, बिकॉज विशाल का हेलमेट थोड़ा उलट पुलट होके रखा है। ओ भाई साहब, देखो कितने दिनों के बाद गांधी मंडप, वो भी मेरा नसीब देख रहे हो, विशाल भाई के साथ गांधी मंडप पर आज कॉर्नरिंग लेते हुए। रोड थोड़ा बहुत गीला गीला है, तो थोड़ा ध्यान से जाना पड़ेगा, लेकिन यार जो भी बोलो, यहाँ पर आने पर एक वाइब्स ही अलग मिलता है। एंड शायद से आगे हमारे कुछ दोस्त लोग भी रुके हुए हैं, वो लोग भी बोला था कि गांधी मंडप आएंगे, तो हमने बोला कि आप लोग आ जाओ, हम लोग फैंसी बाजार होके फिर आते हैं। और यहाँ पर हमारे विशाल भाई बहुत ही खूबसूरत तरीके से मोटो व्लॉगिंग करते हुए आज जा रहा है। सोलिया से पुर गांधी मंडप, कैसे हो भाई लोग? तो गाइस सही टाइम पर जो है घर भी आके पहुंच चुके हैं, मतलब बाहर जो है बारिश अभी आना फिर से स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल सही टाइम पे आके मैं घर पहुंच चुका हूँ। एंड ये रहा बाइक, अभी चलते हैं अंदर। तो गाइस मैं आके पहुंच चुका था घर। एंड अभी जो है, अभी मैं आपको बताता हूँ गिव अवे के बारे में। ये जो आप हेलमेट देख रहे हो, ये वाला हेलमेट जो है, ये वाला स्टड्स का हेलमेट, ये हेलमेट आप लोग जीत सकते हो। एंड ये स्पॉन्सर्ड क्या है, RPS ब्लॉग्स की तरफ से। तो इस हेलमेट को जीतने के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है RPS ब्लॉग्स चैनल का लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है मैंने एक लिंक दिया है RPS ब्लॉग्स का, उसी लिंक पर पहले तो आप लोग को क्लिक करना है, ठीक है। पहले उसी लिंक पर क्लिक करके आपको पहले उनको सब्सक्राइब करना है। एंड उसी लिंक के वीडियो के नीचे आपको अपना इंस्टाग्राम का आईडी जो है, इंस्टाग्राम का आईडी वहां पर आप लोग कमेंट करें। आप लोगों को दूसरा कुछ भी और कमेंट नहीं करना है, बस अपना इंस्टाग्राम का आईडी वहां पर कमेंट करना है एंड उस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड किया है। एंड गाइस ध्यान रखना, इंस्टाग्राम का आईडी बड़े ध्यान से देना, नहीं तो आप विनर बनने के बाद भी मैं आपको ढूंढ नहीं पाऊंगा। तो गाइस ऐसे आप लोग भी गिव अवे कर सकते हो मेरे चैनल के थ्रू। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मुझे प्रमोशन करना है, तो ये एक मैंने एक सुविधा दिया है कि आप लोग मेरे चैनल के थ्रू अपना चैनल थोड़ा सा ग्रो भी कर सकते हो। एंड साथ ही साथ एंड उसी के बदले मेरे सब्सक्राइबर्स को कुछ गिफ्ट भी आप लोग दे दो, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग अगर मेरे चैनल के थ्रू गिव अवे करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर या फिर स्क्रीन पर जो है मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप लोग जो है मेरे को बोल सकते हो कि भाई हाँ मुझे गिव अवे करना है। लेकिन ध्यान रखना, इसी नंबर पे अगर आप लोग हाय हेलो बिग फैन ये सब मैसेज करोगे तो उनका रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा। अगर सच में आपको गिव अवे करना है तभी आप लोग इस नंबर पे, व्हाट्सअप है इस पे आप लोग मैसेज करो एंड करके बोलो SBN भाई हमें गिव अवे करना है आपके चैनल के थ्रू। तो एंड गाइस जिन जिन लोगों ने मेरे को गिव अवे के लिए पे करके रखा था, गिव अवे का सामान वगैरह सब कुछ मेरे पास है, आप लोगों का बुकिंग वगैरह जो है सब कुछ मेरे पास लिस्ट में ऐड है, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लो, धीरे धीरे जैसे मैं वीडियोस डालता जाऊंगा, गिव अवे भी जो सब गिव अवे पेंडिंग था वो सब गिव अवे मैं करता जाऊंगा, ठीक है। तो गाइस यही था आज का एक छोटा सा सिंपल सा वीडियो, आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। आज का व्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो जरूर से एक लाइक करना। आज के इस वाले व्लॉग का लाइक हम रखते हैं 10,000 लाइक का, ठीक है, उम्मीद है आप लोग कंप्लीट कर दोगे। एंड गाइस बहुत सारे लोग मेरे को ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई
एक्सीडेंट वाला वीडियो जो है वो कब आएगा। देखो गाइज, एक्सीडेंट वाला वीडियो जो उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज अभी जो है फिलहाल मैं वो वीडियो में डाल नहीं सकता, कुछ रीजन है जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट वाला वीडियो आने में शायद और 20 से 25 दिन लग सकता है, लेकिन आएगा 100%, वो वाला वीडियो जो आएगा 100%। तो गाइज आज का वीडियो यहीं पर एंड कर देगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक कर देना, चैनल पर कोई नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड एज ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू, एंड ऑलवेज राइट सेफ। चलो गाइज मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए